प्रत्यावर्ती हाई कोर्ट सुनवाई कोर्ट पहुंच चुके हैं अभ्यर्थी और वकील। मैं बात करूंगा इस वीडियो में, और हजारों पद खाली हैं फिर नियुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है। अगर कोई गलती होती है तो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर शिक्षक भर्ती और खाली पदों के बारे में। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में, और आप सभी लोगों को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें और जल्दी ही आप लोगों को खुशियां दें। 6800 अभ्यर्थियों को या फिर 27 21 27 की मांग कर रहे हैं उनको। हजारों पद खाली लेकिन भर्ती में आर्ता का आंकड़ा नहीं, तो यहाँ पर मैं बता दूं किस विभाग में खाली है। लखनऊ से बड़ी खबर है, सरकारी विभाग में हजारों पद खाली पड़े शिक्षकों के, लेकिन एलटी ग्रेड की यहाँ पर बात की गई है। तो एलटी ग्रेड में जो है इसमें भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, एपीएस भर्ती, बीईओ भर्ती, आर्ता को लेकर अभी जो इसकी स्थितियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। और वहीं एलटी ग्रेड की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के 4518 पद खाली हैं। पुरुष वर्ग की बात करें तो 3341 और महिला वर्ग में 2077 पद खाली हैं। और बहुत सारे इंटर कॉलेजों में, माध्यमिकों में पद खाली हैं, लेकिन सरकार इनको भरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जिस हिसाब से अगर शिक्षा मंत्री की बात सुनते हैं, मान रहे हैं, तो फिलहाल भर्ती प्रक्रिया लेट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो इलेक्शन है 24 में और 23 में भर्ती देखने को मिल सकती है। वहीं पर सचिव ने कहा है कि 300 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आयोग के पास 2 साल से अधियाचना पड़ा हुआ है, लेकिन यह भर्ती भी अर्हता के विवाद में फंसी है, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो अब देखो, सारी भर्तियां या तो अभी तो फिलहाल आंकड़े सही बता रहे हैं, चाहे मतलब प्राथमिक की बात करें तो भी तो छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर है, तो अभी भर्ती आने के चांसेस नहीं है। भर्ती लगता है कि नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी सभी। और आप लोग जॉब की जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप लोग IOCL में मौके हैं, 1535 पद हैं, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जा रही है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, जिससे सारी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद में आप लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 238 पद खाली हैं, चपरासी के पद हैं, यहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अमीन के पद रिक्त हैं, 1944 पद, राजस्व एवं भू सुधार विभाग बिहार के जरिए नोटिस निकाला गया है। ये सारी जॉब हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे इंटर शिक्षक भर्ती की, कोर्ट अपडेट है, अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं और अमरेंद्र सिंह बाहुली कोर्ट में पहुंच चुके हैं और इसको मेंशन कराने पूरी कोशिश है, केस मेंशन करा दिया गया है, लेकिन केस की जो सुनवाई थी बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि 422 नंबर पर केस लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो लंच के बाद ही सुनवाई होने की पूरी संभावना है। लेकिन एक बात बता दूं कि सरकार की तरफ से विशेष एप्लीकेशन की तरफ से हो सकता है कि इस सीरियल नंबर को पहले भी केस सुना जा सके, मतलब शुरू में इसका केस सुन लिया जाए, तो हो सकता है कि लंच से पहले भी, लेकिन पहले की उम्मीद बहुत कम है। बट कोशिश अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं कि ये सुना जाए, क्योंकि सीरियल नंबर बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डेट भी मिले। वहीं पर अमरिंदर सिंह बावली का कहना है कि हम लोगों को डायरेक्शन मिलने जा रहा है, हम लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। तो अब देखना यह कि ब्रीफिंग वगैरह सभी हो चुकी है, और संदीप दीक्षित भी पहुंचेंगे कोर्ट रूम में, क्योंकि आयोग टीम के द्वारा भी उनको सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। यूएन मिश्रा का थोड़ा सा है, एलपी मिश्रा भी शायद कोर्ट में मौजूद रहेंगे। और जो HMS आती हैं, 19,000 सीटों की मांग कर रहे हैं भास्कर यादव की तरफ से 27 21% की, तो उनका पैनल भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन आज थोड़ा सा सुनवाई के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, कुछ अभ्यर्थी करें सरकार के द्वारा डेट लगाई गई है, कुछ अभ्यर्थी अपना बता रहे हैं जो असर चाहते हैं कि अच्छा नहीं कि हम डेट हमने लगवाई है। तो मैं बता दूं, अगर सरकार की तरफ से अगर डेट लगी हुई है तो आज ये जी सर 100% प्रेजेंट होंगे और एक डायरेक्शन भी निर्धारित होगा। अगर अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट केस लगवाया गया है तो वही पहले की तरह लगभग होगा कि आएंगे सर और किसी ना किसी बहाने से डेट लेके चले जाएंगे। तो अब देखना यह है कि कौन कौन प्रेजेंट रहता है, थोड़ी देर में ही सारी अपडेट मिल जाएगी केस के बारे में, कौन कौन प्रेजेंट है कोर्ट रूम में, कौन कौन सी टीम में, कौन कौन से वकील हैं, किसके पक्ष में रहेगा लगभग फैसला, तो ये तो सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आप लोगों को विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जैसे कोई अपडेट मिलती है कोर्ट रूम से या कोई हलचल होती है तो आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। सो कोई टेंशन ना लीजिएगा, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो भी अपडेट रहेगी हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।